हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये जो हमारा प्राइस वाला जो हमने यहाँ से प्राइस को फिल्टर करवाया था, ऑल फ्री पेड, तो ये जो ऑल है उसके पास में ये 18 दिख रहा है या 18 दिख रहा होगा आपको। तो ये जो 18 है उसकी जगह पर क्या आना चाहिए? तो हमारे पास टोटल कितने प्रोडक्ट, टोटल कितने कोर्सेस है? तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इसके लिए हम जाना पड़ेगा कोर्स जो प्राइस है उस पर। तो ये जो हमारी प्राइस है वो यहाँ पर शो हो रही है। चलिए वो प्राइस है वो यहाँ पर शो हो रही है, और ये जो ऑल के बाद 18 है वहाँ पर आपको इस तरीके से डबल कर्ली ब्रेसिस को ओपन करना है और उसको क्लोज करना है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो कोर्स, चलिए यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही बार कोर्स लिखना है, कोर्स अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल डॉट काउंट। चलिए देखते हैं हमें सारे कोर्सेज के जो ऑब्जेक्ट है वो काउंट हो जाने के बाद हमें मिलते हैं या नहीं। तो ओके, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा CORSE कोर्स डॉट। तो हमारे पास डायरेक्टरी में हमने कोर्स को पास किया था, तो चलिए यहाँ पर भी कुछ दिक्कत आ रही है, कोर्स अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल। तो चलिए ऐसा करेंगे, कोर्स डॉट ऑल डॉट काउंट, चलिए देखते हैं हमें मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर हमें 4 मिल गया, हमारे सारे यानी कि हमारे पास टोटल 4 कोर्सेज है। तो यहाँ पर क्या आया, 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो फ्री है तो फ्री के कितने कोर्स है, तो हमारे पास फ्री के 1 कोर्स है। तो वो हम कैसे शो कराएंगे, तो इसके लिए हम जाएंगे फिर से views.py में, और यहाँ पर जो हमारा सिंगल कोर्स है वहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, फ्री कोर्स काउंट इज इक्वल्स टू यहाँ पर कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और फिल्टर क्या कराएंगे, तो प्राइस इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर डॉट काउंट। तो ये जो फ्री कोर्स अंडरस्कोर काउंट है तो इसको हमें पास करना पड़ेगा डायरेक्टरी में, तो ये हमने पास कर दिया कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी में। चलिए इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पर ये जो 3 है उसकी जगह पर इस तरीके से डबल कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और इसके अंदर इसको कर देंगे पेस्ट। चलिए वो हमें मिलता है या नहीं। चलिए तो फ्री में हमारे पास एक कोर्स है, तो यहाँ पर आ गया 1। अब यहाँ पर हम इस तरीके से पेड कोर्स को भी शो करा सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे पेड कोर्स अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल्स टू कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। अब यहाँ पर क्या फिल्टर कराएंगे, तो नीचे हमने इसका फिल्टर कराया हुआ है प्राइस ग्रेटर देन 1, तो चलिए इसको यहाँ पर करेंगे पेस्ट डॉट काउंट। तो ये जो जितनी इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए, जितने भी कोर्सेज हो गए, वो हमें काउंट हो जाने के बाद हमें मिल जाएंगे। तो चलिए इसको भी पास करेंगे डिक्शनरी में, और ये जो पेड कोर्स अंडरस्कोर काउंट है उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये रहा पेड, तो यहाँ पर जितने भी पेड कोर्स हो गए वो हमें यहाँ पर काउंट हो जाने के बाद हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने कोर्सेज है, तो 4 कोर्स है, उसमें से 1 फ्री है और 3 कोर्स है वो पेड कोर्स है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर मैं जावा पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ब्लैंक पेज आ रहा है, तो वो ब्लैंक नहीं आना चाहिए, यहाँ पर उसकी जगह पर एक इमेज या कोई आप गिफ को भी शो करा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक गिफ शो कराऊँगा। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, तो ये सारी चीज़ें जो एजेक्स है उसके अंदर कोर्स डॉट HTML है वहाँ से आ रही है। तो सिंपली सबसे पहले तो इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं, इसको मैंने किया मिनिमाइज़। चलिए इसका जो फॉर्मेटिंग है वो भी सही कर लेते हैं। अब ये जो फॉर लूप है उसके ऊपर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ
यहाँ पर हमें कोर्स, इफ कोर्स पाइप सिंबल और लेंथ लेस देन वन, और एल्स, और यहाँ पर ये जो इफ है उसको यहाँ पर करना पड़ेगा एंड, एंड इफ। चलिए यहाँ पर हम ये जो इफ है उसमें एक मैसेज अभी के लिए ट्राई के लिए हम एक मैसेज शो करा सकते हैं, कोर्स नॉट फाउंड। चलिए देखते हैं ये काम करता है या नहीं। कोर्स नॉट फाउंड आ गया, चलिए ये हमारा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। चलिए अब ये जो एल्स पार्ट है उस पर, ये जो इफ अगर कोर्स का जो लेस देन वन है तो यहाँ पर हमें एक गिफ शो करनी है, तो चलिए इसके लिए इमेज का यूज़ करेंगे src। अब यहाँ पर इसकी लिंक देनी पड़ेगी, तो मैंने ये जो गिफ है वो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है, आप चाहे तो कोई भी गिफ का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, और इसको हमें स्टैटिक फोल्डर में रखना पड़ेगा, तो स्टैटिक फोल्डर में है इमेजेस, इमेजेस के अंदर इसको करेंगे पेस्ट। और चलिए इसका नाम चेंज कर देते हैं, कोर्स आइफन नॉट आइफन फाउंड। तो ये जो इमेज है वो यहाँ पर आ जाएगी, कोर्स आइफन नॉट आइफन फाउंड डॉट गिफ। तो चलिए ये इमेज हमें मिल गई, चलिए ये जो इमेज है वो स्टैटिक फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टैटिक। स्टैटिक फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर है, तो उसके अंदर है असेट्स फोल्डर, उसके अंदर है IMG, और उसके अंदर है हमारी गिफ। तो गिफ का नाम है कोर्स हाइफन नॉट हाइफन फाउंड डॉट गिफ। चले देखते हैं हमें हमारी जो इमेज है वो हमें मिलती है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर एक एरर आ रही है कि ये जो हमें स्टैटिक फोल्डर को हमें यहाँ पर लोड कराना होगा, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे परसेंट है लोड स्टैटिक। तो चलिए अब यहाँ पर रिएक्ट जेएस पर क्लिक किया, तो ये इमेज हमें यहाँ पर शो कर रही है, पर ये कुछ छोटी आ रही है। चलिए इसको हाइट और विड्थ सेट कर लेते हैं, तो विड्थ होगी 100%। चलिए देखते हैं किस तरीके से मिलता है हमें। ओके, तो ये इमेज कुछ छोटी इमेज है, इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए इसको सेटर कर लेते हैं, या इसको 500 पिक्सल करके देख लेते हैं क्या होता है। ओके, तो चलिए ऐसा करेंगे, इसको पहले तो सेंटर में लाएंगे, तो इसके लिए हम स्टाइल का यूज़ करेंगे, स्टाइल मार्जिन लेफ्ट 20%। तो ये कुछ सेंटर में आ गई, चलिए इसको बड़ा करते हैं, कुछ हाइट उसकी चेंज करके देखते हैं, हाइट होगी 400 पिक्सल। चलिए ये बहुत बड़ा हो गया, चलिए इसको 200 पिक्सल करके देख लेते हैं। तो अब ये मैं कुछ अच्छे से मिल रहा है, और ये जो पेजिनेशन है वो भी नहीं आने चाहिए थे, तो चलिए वो तो आएंगे उसके, क्योंकि हमने ये जो एजेक्स में नहीं है, ये हमारा जो सिंगल कोर्स है उस पे से ये जो पेजिनेशन है वो आ रहा है। तो जब हम पेजिनेशन पर काम करेंगे तो यहाँ पर भी ये जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।